नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज के बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। CM सुक्खू बोले, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की संपदा को दोनों हाथों से लुटाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को जोगिंदरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा व पूर्व CM जयराम ठाकुर पर जमकर हमला बोला। सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार को बने 22 महीने हुए हैं, इस दौरान हमारे पास कई चुनौतियां थी, प्रदेश का खजाना खाली था। सुक्खू ने कहा, भाजपा ने चुनाव से पहले प्रदेश में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट दी, यह जनता का पैसा था। राजनीति लाभ के लिए संस्थान खोल दिए, बिजली पानी माफ कर दिया। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना, इस प्रदेश का खर्चा चलाने के लिए सिर्फ 1 महीने का पैसा था। डबल इंजन की भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। प्रदेश की संपदा को दोनों हाथों से लुटाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की, हमने उन दरवाजों को बंद किया। भाजपा ने बड़े बड़े होटलों की बिजली माफ कर दी थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सब्सिडी का युक्तिकरण किया, लेकिन आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला गया है। हिमाचल में इस दिन से बिगड़ सकता है मौसम, कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार, जाने पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 22 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 23 अक्टूबर से मौसम बिगड़ सकता है। इससे मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उधर पोस्ट मानसून सीजन के दौरान 1 से 17 अक्टूबर तक राज्य में सामान्य से 96% कम बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सिरमौर व सोलन जिले में बारिश हुई ही नहीं। कांगड़ा में सामान्य से 95, किन्नौर में 98, लाहौल स्पीति 99, मंडी में 74 व सोलन में 42% कम बारिश हुई। भगवान नरसिंह की भव्य जलेब में उमड़े हजारों लोग, देवमयी हुई घाटी। रथ यात्रा के बाद कुल्लू दशहरा में भगवान नरसिंह की जलेब आकर्षण का केंद्र होती है। 5 दिन तक जलेब करीब 1.5 किलोमीटर की परिधि में निकलती है। गुरुवार को दशहरा के 5वें दिन पूरे लाव लश्कर के साथ भगवान नरसिंह की भव्य जलेब राजा के चांदनी से निकली। ढालपुर स्थित दशहरा मैदान से शुरू हुई जलेब में बाह्य सराज के देवी देवताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भाग लिया। शाम करीब 4 बजे शुरू हुई जलेब में हजारों की संख्या में हर वर्ग के लोग उमड़े। जलेब उपायुक्त कार्यालय कुल्लू से होकर जिला अस्पताल, कला केंद्र, रथ मैदान और ढालपुर चौक से शाही अंदाज में निकली। अलौकिक जलेब को देखने के लिए भी लोगों का जगह जगह हुजूम उमड़ पड़ा। नेरवा में शामठा टिकरी मार्ग पर स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल क्षेत्र में 2 दिन के भीतर दूसरा बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बुधवार रात को नेरवा से लगभग 15 किलोमीटर दूर शामठा टिकरी मार्ग पर पिपलाह नामक स्थान पर एक HP नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय गाड़ी में 4 लोग सवार थे, इसमें 1 स्थानीय व्यक्ति व 3 बिहार के थे। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान प्रताप हंसटा, उम्र 38 वर्षीय, बासरा टिकरी के रूप में हुई। दूसरा मृतक बिहार का रहने वाला था। 2 अन्य बिहार निवासी घायलों को सिविल अस्पताल नेरवा में प्राथमिक उपचार देने के बाद IGFC शिमला रेफर किया गया। उधर मृतकों के शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नेरवा लाया गया। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मंगलवार को भी चौपाल पुल बहाल मार्ग पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें गिराने की अब धर्मशाला जाएगी फाइल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद में बनी 3 अवैध मंजिलें गिराने की फाइल अब धर्मशाला जाएगी। संजौली मस्जिद कमेटी ने इन मंजिलों गिराने के लिए वक्फ बोर्ड को आवेदन पत्र लिखकर मंजूरी मांगी है। बोर्ड के शिमला दफ्तर में यह पत्र पहुंच गया है, लेकिन अब इसकी पूरी फाइल धर्मशाला भेजी जा रही है। ऐसे में अगले हफ्ते तक ही अवैध निर्माण गिराने का काम शुरू हो पाएगा। वक्फ बोर्ड के प्रशासक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्मशाला में तैनात हैं। ऐसे में इस आवेदन पर अंतिम मंजूरी धर्मशाला से ही मिलेगी। शिमला में तैनात वक्फ बोर्ड के संपदा अधिकारी कुतुबुद्दीन ने कहा कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट से अवैध निर्माण गिराने के आदेशों की कॉपी उन्हें मिल चुकी है। मस्जिद कमेटी को भी इसकी कॉपी मिली है। इन आदेशों के बाद कमेटी अवैध निर्माण हटाने का काम शुरू कर सकती थी, लेकिन मस्जिद से जुड़ी संपत्तियां बोर्ड के अधीन है।
इसलिए कमेटी ने बोर्ड से भी इस पर अंतिम मंजूरी मांगी है। कमेटी का यह पत्र अब धर्मशाला भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही इसकी कॉपी कमेटी को भी दी जाएगी। मस्जिद कमेटी इन आदेशों पर निर्माण गिराने को तैयार है। इसके लिए अब कमेटी पैसा भी जुटाने जा रही है। लोगों से इसके लिए पैसा इकट्ठा कर अवैध निर्माण तोड़ने का काम शुरू होगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को मिला CBFC से सर्टिफिकेट, जल्द होगी रिलीज। भाजपा सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की बॉलीवुड फिल्म इमरजेंसी के रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट मिल गया है। अब जल्द प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म की रिलीज की तिथि तय करेगा। CBFC से सेंसर सर्टिफिकेट मिलने की सूचना स्वयं कंगना ने अपने एक्स हैंडल अकाउंट से अपने फैंस को दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल अकाउंट में लिखा कि हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमें अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। हम जल्द ही रिलीज की तारीख की घोषणा करेंगे। आपके धैर्य और समर्थन के लिए धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विक्रमादित्य सिंह को दिया जन्मदिन का तोहफा, मंडी की 2 सड़कों को मंजूर किए इतने करोड़। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को जन्मदिन का तोहफा दिया है। केंद्र ने मंडी जिला की 2 सड़कों के लिए करीब 21.05 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसके तहत चैलचौक पंडो सड़क के लिए 9.10 करोड़ रुपए तथा मंडी कमान कटोला सड़क के लिए 11.89 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। चैलचौक गोहर पंडो सड़क के सुधार व सुदृढ़ीकरण के लिए पंडो से चैलचौक तक वैकल्पिक सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा था। सड़क के बंद होने पर इस वैकल्पिक सड़क मार्ग से यातायात चलाया जाएगा। इसके अलावा गत वर्ष 16 सितंबर 2023 को मंडी कमांद कटोला बजोरा सड़क में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था। केंद्र ने इन दोनों प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर नितिन गडकरी ने बड़ा तोहफा दिया है। विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने मंडी के जो मसले केंद्रीय मंत्री से पिछली मुलाकात में उठाए थे, उस पर 21 करोड़ रुपये का समर्थन लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। 1500 रुपये सम्मान राशि का इंतजार कर रही महिलाओं को झटका, सरकार ने लगाई नई शर्त। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में सरकार ने एक और नई शर्त जोड़ दी है। इसके तहत ग्राम पंचायत में फॉर्म वेरीफाई होने के बाद से ही महिलाओं को सम्मान राशि दी जाएगी। फार्म जमा कराने की तिथि से महिलाओं को यह लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जिन महिलाओं ने बीते महीनों में इस योजना के तहत आवेदन किया है, उन महिलाओं को आवेदन करने की तिथि से इसका लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम पंचायतों या नगर परिषदों की बैठक में फॉर्म वेरीफाई होने के बाद से ही महिलाओं को 1500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। योजना के लिए पात्र पाए जाने पर महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में साफ हो गया है कि जिन महिलाओं ने बीते अप्रैल, मई, जून महीने में या इसके बाद आवेदन किया था, उन्हें इस अवधि से इसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि इसका कोई एरियर नहीं मिलेगा। हालांकि प्रदेश में महिलाएं उम्मीद कर रही थी कि आवेदन की तिथि से उनको इसका लाभ दिया जाएगा, लेकिन सरकार की इस शर्त ने महिलाओं की आशाओं पर पानी फेर दिया है। HRTC हर दिन ले रही जन विरोधी और तुगलकी फैसले। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने HRTC द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में HRTC हर दिन जन विरोधी और तुगलकी फैसले ले रही है। बच्चों की साइकिल और शादी विवाह के एल्बम तक का किराया वसूलने के बाद अब 5 किलो के बैग का भी किराया वसूलने जा रही है। HRTC द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना जन विरोधी होने के साथ साथ हास्यास्पद भी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर दिन HRTC को लेकर कोई ना कोई उपलब्धि बताती रहती है कि सरकार की योजनाओं से इतने करोड़ का फायदा हुआ और उतने करोड़ का फायदा हुआ, लेकिन स्थिति ये है कि HRTC से सफर करने वाले लोगों को परेशान करने, उन पर आर्थिक बोझ डालने के फैसले ही सामने आते हैं। अब सरकार का फरमान है कि यदि HRTC से सफर करना है तो 5 किलो के बैग के लिए किराया देना पड़ेगा। जिस HRTC का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के लोगों को आरामदायक और सस्ता सफर उपलब्ध करवाना है, उसे सरकार राजस्व उगाही का जरिया बना रही है। आम हिमाचली एक जगह से दूसरी जगह सफर करते वक्त छोटे छोटे कई बैग लेकर यात्रा करते हैं। लोग घर से दूर रह रहे बच्चों से मिलने जाते वक्त क्या क्या नहीं लेकर जाकर बच्चों को देना चाहते हैं, जिसमें खाने का सामान, किताबें या और भी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं, उसका किराया वसूलना कहाँ तक सही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आए दिन खबरें आ रही है कि HRTC की बस यहाँ हाफ गई, वहाँ हाफ गई, अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने से पहले खराब हो गई। सवारी द्वारा धक्का मारकर बस को गंतव्य स्थान तक पहुँचाया गया। उस रूट पर बसों का संचालन बंद हो गया। इसके बाद अगर HRTC से जो खबरें सामने आ रही हैं, वह सब की सब सरकार के तानाशाही और तुगलकी फरमानों की तरह होती हैं।
ऑनलाइन चलान काटेंगे आरटीओ, इस जिले से होगी शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में सभी आरटीओ के पास ऑनलाइन चलान की शक्तियां होंगी, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाने का काम किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा के तहत पुलिस विभाग के जरिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम चल रहा है। लगभग सभी शहरी क्षेत्रों में इस तरह के कैमरे लगा दिए गए हैं और इनका कंट्रोल पुलिस के साथ साथ आरटीओ के पास भी रखने की तैयारी की जा रही है। जब आरटीओ के पास इसका कंट्रोल होगा तो वह नियमों की अवहेलना पर वहीं से ऑनलाइन चलान कर सकेंगे। सूत्रों के अनुसार शिमला से इसकी शुरुआत की जा रही है। यहां पर लगभग सभी स्थानों पर सड़क सुरक्षा सेल के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जहां पर बसों के हर एक स्टॉपेज पर इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं, जिनका कंट्रोल अब पुलिस विभाग के साथ आरटीओ के पास भी रहेगा। हिमाचल में सभी बस अड्डों पर बनेंगे एनसीएमसी कार्ड। एचआरटीसी बसों में यात्री अब बिना इंटरनेट के भी टिकट का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इसे लेकर प्रदेश के सभी बस अड्डों में एनसीएमसी कार्ड बनाने को लेकर नए काउंटर खोले जा रहे हैं। एटीएम कार्ड की तरह दिखने वाले एनसीएमसी कार्ड को यात्री 100 रुपये में बना सकेंगे। इस कार्ड के जरिए यात्री टिकट का बिना इंटरनेट के भी ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। यात्री कार्ड का नंबर बताकर या फिर कार्ड दिखाकर टिकट का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। आपको बता दें कि एचआरटीसी बसों में अब यात्री मेट्रो की तर्ज पर एनसीएमसी कार्ड से सफर कर सकेंगे। यात्री एनसीएमसी कार्ड में 1000 रुपये तक रिचार्ज करवा सकते हैं। इस कार्ड से यात्री बिना इंटरनेट के भी टिकट का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इस कार्ड की खास बात है यह है कि इस कार्ड से किराए के भुगतान के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।